पुष्प्रीत कौर एक 17 साल की यंग और इनोसेंट लड़की। वी हैव फेल्ड एज सोसाइटी, वी हैव फेल्ड एज ह्यूमन बीइंग। सोशल मीडिया पर लोग यही बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग ऐसा बोल रहे हैं? इस 17 साल की पुष्प्रीत कौर ने पंखे से लटक कर अपने घर पर अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मरने से पहले उस लड़की ने एक पेज का सुसाइड नोट लिखा है, जिसके अंदर दो लोगों का नाम मेंशन किया गया। उन दोनों लोगों का नाम क्या है मैं आपको बताता हूं, और उसका कनेक्शन पुष्प्रीत कौर के साथ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। दोनों का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, रवलीन कौर तुली और अमनदीप सिंह चहल। रवलीन कौर जो है ये उस स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी है जिस स्कूल में पुष्प्रीत पढ़ा करती थी। जी हाँ, उसी स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी। वो होता है ना कि रुतबे का दम, तो वही होगा कुछ, आगे मैं आपको बताता हूँ। दूसरी तरफ जो अमनदीप सिंह चहल है वो पुष्प्रीत के टीचर थे। इन दोनों ने मिलकर पुष्प्रीत को डिप्रेस कर रखा था, वो भी 200 से ज्यादा दिनों से। वो बेचारी डिप्रेस थी, अपने आप से परेशान थी, और ये सारी चीजें वो सिर्फ खुद अकेले झेल रही थी, किसी से उसने शेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं उसका आपको फैमिली बैकग्राउंड बताता हूँ। पुष्प्रीत कौर कनाडा में पैदा हुई थी, लेकिन 3 महीने की जब वो थी तो उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया, और जिसकी वजह से कनाडा छोड़ के वो इंडिया आ गई अपने नाना के साथ। उसके नाना की उम्र इतनी ज्यादा है कि उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने नाना को बताऊंगी तो बेचारे मेरे नाना परेशान हो जाएंगे, उसने ये सोचा। इस वजह से वो ये सारी चीजें खुद झेल रही थी, किसी को उसने नहीं बताया। मैं आपको कुछ चैट्स दिखाऊंगा जहां पर पुष्प्रीत सिंह ये बोलती हुई, पुष्प्रीत कौर माफ कीजिएगा, वो ये बोलते हुए नजर आ रही है कि ये सारी बातें अगर मेरे नाना को पता चलेंगी कि मेरे साथ हो रही है तो वो बेचारे टूट जाएंगे। पंजाबी में उन्होंने लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पुष्प्रीत कौर के इनोसेंस के बारे में आपने जान लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों का कनेक्शन आखिर में पुष्प्रीत कौर के साथ कैसा था। जो प्रिंसिपल की बेटी थी, जो मैंने आपको बताया ना कि पावर का रॉब जो लोग दिखाते हैं, वो और एक जो उसके टीचर थे, दोनों भी उस टीचर के साथ उसको फिजिकल रिलेशनशिप में आने के लिए फोर्स करते थे, और वो बेचारी फिजिकल रिलेशनशिप में किसी के साथ आना नहीं चाहती थी, और वो मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकती थी। लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती उसको फोर्स किया, उसको डिप्रेस कर दिया उसकी वजह से, जिसकी वजह से इवेंचुअली उसने खुद की ही जान ले ली। देयर इज नो पॉइंट सुसाइडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, बट अभी हम इस केस के ऊपर फोकस करते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुष्प्रीत ने इन बातों को किसी के सामने लाने की कोशिश नहीं की। उसने अपने स्कूल के मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को, सबको बताने की कोशिश की, लेकिन ना ही स्कूल के मैनेजमेंट ने कोई इस पर डिसीजन लिया, ना ही प्रिंसिपल ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया, जिसके बाद बेचारी आखिर वो क्या करती, तो उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले बहुत अच्छा हुआ कि उसने एक नोट छोड़ा है। नोट में उसने कुछ बातें लिखी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने लिखा है कि सुसाइड करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मैं इस सिचुएशन में आ गई हूं कि मुझे सुसाइड करना पड़ा। मैं अपने नाना का बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि मेरे पेरेंट्स के अलग होने के बावजूद उन्होंने मेरा साथ दिया और इतने सालों तक मुझे पाला पोसा। और उन्होंने कहा कि सारी बातों को लेकर अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है या कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए तो वो सिर्फ दो लोग जिनका नाम मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि गो अहेड एंड शेयर दिस वीडियो, एब्सोल्युटली नॉट। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस स्टोरी को कहां लेके जाना चाहते हैं। पंजाब की पुलिस ने फिलहाल दोनों के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी कि सुसाइड करने के लिए उकसाने वाला केस रजिस्टर कर लिया। लेकिन माइंड यू, ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलिए कि वो जो लड़की है वो प्रिंसिपल की बेटी है, तो पावर का काम कहाँ आता है आप समझ सकते हैं। मैं बस आपको ये चाहता हूँ कि आप पुलिस के ऊपर, पावर वाले लोगों के ऊपर जो सरकार में बैठे हैं, उनके ऊपर फोर्स बनाइए, उनको फोर्स कीजिए कि इस केस के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। नथिंग एल्स। जय हिंद।